नहीं लिया था फिर भाई नहीं लिया नहीं कोई नहीं लिया अच्छा चल चल मेरी ये मैं लाके जाना ये दस और नाश्ता वास्ता सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने मॉर्निंग रूटीन नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो भी देख लीजिएगा। तो अभी का प्लान कुछ इस तरह से, आपको पता विलेज में आया तो हम चाहते हैं कि भरपूर इंजॉय करके जाएं, जितना हो सके हो जाए। तो इधर सहार की नानी और अम्मा जी भी बैठी हैं, दो सहेलियाँ मिल के ना बैठी हुई नानी है। हाँ, और मजे की बात, नानी दादी दोनों, मैंने तो सच बताऊं तो अपनी नानी भी नहीं देखी और दादी भी नहीं देखी, लेकिन सार को मौका मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और इधर सदाकत अपनी मेरे ख्याल में वीडियो एडिट कर रहा है। तो अभी का प्लान जो है ना, आप अम्मा से सुने, तो अभी क्या करना होगा? हाँ जी, रेसिपी बनानी है। हाँ जी, उसका सामान खरीदना है। अच्छा, जाके लड़के रला ला। हाँ जी, जाके सामान खरीद लिया। क्या क्या खरीदना है हमें अपनी रेसिपी बनाने के लिए? अपने गड्ढे लाया, थूम सा अपना, मतलब प्याज और लहसुन तो इधर ही हो गया। टमाटर मिर्चा ला ले, सिर्फ टमाटर ला ले। ये होता है विलेज का फायदा, यहाँ पे सब चीजें काश्त की जाती हैं। तो लहसुन भी है, मिर्चें भी हैं, और वो क्या कहते हैं तीसरी, और प्याज। तो बाकी रह गए टमाटर, वो मेरे ख्याल में नहीं है, तो वो खरीद लेंगे। और चिकन भी खरीदना है। हाँ जी, चिकन, चिकन के अलावा, चिकन के अलावा दही, दही भी हो गए। और कुछ? और कुछ? अच्छा, ताकत इधर ही है ना, तो मुझे पिज्जा अगर कुछ मंगवाना हो और भी तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। अच्छा, या मैसेज कर देना, ठीक है? क्या हुआ? कुछ और खरीदना हो, याद आ जाए तो कॉल कर देना, फिर भी से मैं लेता आऊंगा। तो ये मेरे साथ जाएगा हमाद, हमाद है ना नाम, जमाद, सॉरी, इसके बड़े भाई का नाम हमाद है। तो कपड़ा हमने उतार दिया जी गाड़ी का, और चाबी मुझे नहीं मिल रही, पता नहीं किधर रख दी है, चाबी नहीं मिल रही। इधर कहीं, हाँ ये पड़ी है, ये रही चाबी। अच्छा, एक बात और मैं आपको मजे की बताऊं कि अभी ना बिजली का कोई इशू हुआ थोड़ी देर पहले ना, तो सदाकत का चार्जर जो है ना जल गया, मतलब ये ना हमारे पास सुना, मोबाइल हमारे सेम थे और चार्जर भी हमारे सेम थे, तो मेरे के ना ये टेप लगी हुई थी, मुझे अच्छी तरह याद है, तो ये बच गया है, और जो सदाकत का था ना ये वाला जल गया है। तो ये कह रहा है कि ये मेरा है अब, बहरहाल मेरा ये है, मेरा ठीक चल रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं टाउन, वहां से कुछ सामान भी खरीदना है, वहां पे थोड़ी देर में अपना मोबाइल भी चार्ज कर लूंगा, और अभी बस निकलने ही लगे हैं। तो अभी यहाँ से गाड़ी निकालनी है, और ये जगह इतनी एक है, ये देख के गाड़ी जितनी है ना इतनी ही जगह है, तो अभी बस आराम से गाड़ी निकालते हैं। हाँ जी अम्मा जी, हाँ जी, अच्छा चले आपकी मान लेते हैं। अम्मा कह रही है कि पहले वहाँ पे ना सीधी करो, यानी बैग डायरेक्ट ना हटाओ, और सीधी करके इधर से सीधा ही रस्ते पर चढ़ जाना, तो ये भी अच्छी बात है। तो अभी ना मैं बस गाड़ी मोड़ लेता हूँ, मम्मा ने इंस्ट्रक्शन दिए कि यहीं पे सारे टर्न वगैरह करके सीधा करके मुंह ले जाओ, तो मैं इसको सीधा कर लूँ। शीशा खोल के ना फिर ये वाले मोड़ छोड़ काटते हैं। काट लिया ना मैंने मोड़ छोड़, क्योंकि तो बाहर इंस्ट्रक्शन देने वाले जो होते हैं ना, ये रिवर्स कैमरा इसीलिए लगा हुआ है, ये बहुत हेल्प करता है। अब मैंने लाइसेंस बनवाना, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वहां पे तो रिवर्स कैमरे वाली गाड़ी नहीं होती तो इसकी ना मुझे प्रैक्टिस अब शीशों में करनी पड़ेगी, ताकि ना जब लाइसेंस के लिए बनवाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट देने जाओ ना, तो ये इसकी मुझे LCD की जरूरत ना पड़े। आ जाओ भाई, आ जाओ, इसको खोलो, खींचो जोर से खींचो, खोल दे, लॉक इसका इतना टाइट है ना कि वो खुलता ही नहीं है। तो ये दोनों मेरे साथ जा रहे हैं, मुझे ना बाजार का पता नहीं है, तो ये जाते रहते हैं, आपको पता यहीं के हैं, तो ये मेरे साथ जा रहे हैं, वहां से जाके शॉप्स वगैरह का पता है ना सारा। हाँ, तो अभी चलते हैं और वहां जाके मिलते हैं। ये सड़क जो है ना थोड़ी सी तंग है, और इधर ये सारी जितनी भी आपको जमीन गैर आबाद नजर आ रही है ना, ये एक्चुअली मैंने गवर्नमेंट किया, तो इसलिए ना ज़्यादातर ना कुछ भी काश्त नहीं किया हुआ इस तरफ ही, सारा बिल्कुल, मैं अब छोटा होता था तो आता था, तब भी ऐसी थी और अब भी वैसी की वैसी ही पड़ी है। रास्ता बस इतना कह के गाड़ी बड़ी मुश्किल से गुजरती है।
भी ना, बस हम जो है ना वो सिंगल सा रास्ता था और बहुत ही मैं कहता हूँ ना पूछें, इतना ख़राब था कि अल्लाह अल्लाह करके रोड से निकले, गाड़ी के पहिए एजेस पे आते थे रोड के। तो अभी मेन रोड पे हम आ गए और कितना दूर है यहाँ से? एक किलोमीटर आगे बाजार है, तो वहाँ से जाकर कोई सब्जियाँ वगैरह जो जो सामान खरीदना है वो खरीदते हैं और फिर इंशाल्लाह वापस आएंगे जी घर। और अपनी जो है ना आज कुकिंग होने वाली है, विलेज की कुकिंग और देसी स्टाइल में बहुत ही मज़े की होने वाली है। हमने कहा अब आए हैं तो अच्छी तरह से इंजॉय करें, तो ये चीज़ें कर रहे हैं कि अब मज़ा ही अलग होता है फील्ड्स में जाके, तो बड़ा ही ना एक वो पुरसकून से फील आती है। बस रोड पर जाके पहुँचते हैं, सामान खरीदते हैं। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? छठी क्लास में पढ़ते हो। तू कौन सी क्लास में पढ़ता है अभी? तू अभी घर में ही पढ़ता है? ये अभी बताना नहीं चाहता, तो चलते हैं जल्दी। मैंने वहाँ पे थोड़ी देर मोबाइल भी चार्ज करना है, मेरी ना बैटरी बिल्कुल डेड है और इनके घर में ना पता नहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है और सारे ना स्विचेस वगैरह ख़राब हो गए हैं। तो बस अभी हम पहुँचे थे पोल्ट्री शॉप पे और ये शाहीन चिकन करवाना था 1 kg। भाई बस बना रहे हैं, बाकी आगे जाके सब्जियों के लिए ना उस तरफ जाना पड़ेगा हमें। किस तरह है भाई? 350 kg है पर kg। नहीं जी अभी हम लेने ही आए और इधर मुर्गियां भी आ गई फ्रेश फ्रेश बस भाई। चला आ जाओ। तो अभी ना हम वेजिटेबल्स वाली शॉप पे आ गए हैं और हमने करवानी है 1 पाव मिर्ची टमाटर। भाई 1 पाव मिर्ची टमाटर करनी है और गाजरें और मूलियां कर दें 1/2 किलो। सलाद के लिए देनी है तो अच्छी सी दीजिएगा। बाकी की चीज़ें तो ऑलमोस्ट सारी घर पड़ी हुई हैं। और दही कहाँ से मिलेगी? आगे जाना पड़ेगा, दही आगे से मिलेगी और बाकी का सामान तो ऑलमोस्ट यहीं पे पड़ेगा। अभी हम आए हैं जी होटल पे दही लेने के लिए और इधर ना चाचा जी जलेबी बना रहे हैं और गर्म इस तरफ वो भी कोई हलवाई लगे हुए हैं, मेरे ख्याल में आई थिंक बर्फ़ी बन रही है या लड्डू बन रहे हैं। साथ में नहर बह रही है और बहुत ही ना प्यारा सा सीन बना हुआ है। तो दही हमने दे दिया है, वो भाई डाल रहे हैं, दही लेते हैं और वापस घर को चलते हैं। अभी भाई हम एक इलेक्ट्रिक स्टोर पे आए हैं, यहाँ से हमने लेना था एक स्विच, क्योंकि ना आपको पता है घर में ना सारे स्विच हम जला के किश्तियाँ जला के आए हुए हैं। तो यार ये वाला नहीं, मतलब ना इसमें 3 मुँह वाला लगे स्विच, आगे इस तरह का 2 वाला हो, समझ आ गई ना। तो बाकी सामान सारा हमने खरीद लिया, ये पकड़ा हुआ है जमाद सामान सारा कंप्लीट हो गया और बस ये स्विच लेना है और फिर हम वापस घर को चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं जी घर अचानक से नहीं, टाइम तो हम काफी लगा के आए, खाना पीना सब कुछ करके आए और टाइम अभी हो चुका है 3:30, असर का टाइम होने वाला है और हम पहुंच गए हैं घर। इधर सदाकत बैठ गया फिर भी ना ऐसे लेटा हुआ जैसे ना सारे काम इसी ने किए हैं। तो मसला एक्चुअली में ये बना है कि वहाँ पे ना हुआ है शॉर्ट सर्किट और सारे घर की ना वायरिंग ख़राब हो गई है। हम पहुँचे हैं ना तो फिर ये तो होगा तो अच्छा तो सारे घर की हो गई थी वायरिंग ख़राब और मेरे जो मोबाइल का चार्जर है माशाल्लाह से मुझे भी 4000 का टीका लगा है वो भी जल गया है और सदाकत के मोबाइल का चार्जर भी जल गया है। दोनों तुम्हारे मोबाइल के हैं? मेरा नहीं, वो तेरे मोबाइल का था। मेरे मोबाइल का एक का ठीक था, दूसरे मोबाइल का जल, आईफोन वाला जल गया और दूसरा ठीक था। तो अभी बस सिटी से आके हमने वो चार्जर लिया, मेरे मोबाइल की बैटरी जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो इस वजह से कोई व्लॉग्स व्लॉग रास्ते में नहीं बना सका, ना वहाँ बाकी का मज़ीद कंटिन्यू कर सका, जो बन चुका था वो आपने देख लिया पीछे। तो अभी जो है ना गाड़ी से हमने निकालना है सामान और एक बड़ी ना मेरी फेवरेट चीज़ थी वो भी हम वहाँ से लेके आए, मैं आपको अभी चल के दिखाता हूँ। तो पहले मुझे आ जाए सामान निकालने और मैं आपको दिखाऊँ कि क्या ले आए थे अभी की तरह। ये रहे तो डिग्गी खोलनी पड़ेगी, डिग्गी आए तो मेरे से अक्सर ना मैं जब डिग्गी खोलने लगता हूँ तो मेरे से ऑयल वाला खोल जाता है, फ्यूल वाला। तो ये हमारे सारे कपड़े कुपड़े जो है ना, मैं कपड़े उठा लेता हूँ इस तरह से, ये ऐसे लटका लेता हूँ और ये ऐसे लटका लेता हूँ। और हमने वहाँ पे की थी कुकिंग तो वो भी कुछ सामान है और सबसे ज़रूरी चीज़ ये रही, ये आपको आगे चल के दिखाता हूँ, ये उठा ले मैंने, फिर मैं आगे टिक्की बंद कर देता हूँ। ये वहाँ से हमें मिला है जी साग, अभी हमारे में पकने में तो मेरे ख्याल में 15-20 दिन तो पक्के लग जा रहे हैं।
तो ये हम वहां से लेके आए थे साग, और आज पकेगा हमारे घर में साग। साग खाएंगे, मजे उड़ाएंगे। तो आई एम वेटिंग फॉर दिस एनेक्सियसली। आज इसको ना बना दे। अच्छा कल बना लेंगे। पालक वगैरह शाम में कड़ी, अभी पालक वगैरह कुछ मिलना नहीं है, फिर कल ही बना लेंगे। मैं इतना तो कर ही सकता हूँ इंतजार, इतना भी जल्दी नहीं है मुझे। बाकी का सामान कल ले जाएंगे। अभी बन रही है चाय, वहाँ से हम चाय पी के नहीं निकले थे, तो चाय पीते हैं। बाकी मैं डिग्गी वगैरह बंद कर देता हूँ। हाँ, जो सामान पड़ा मैं वो भी निकाल लेता हूँ। तो अभी जो है ना शाम का टाइम हो चुका है, मगरिब की नमाज हो चुकी है, और इधर जो है अम्मा जी आ गई हैं एक ऑर्डर लेके। तो आप अम्मा से सुन लें। हाँ जी अम्मा जी, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? हाँ जी, ऑर्डर यो है कि काले दो धराए गए हैं। हाँ जी, कल का उधर गए हुए थे। हाँ जी, नहीं लिया था फिर? पाइप नंबर नहीं लिया? नहीं, कोई नहीं लिया। अच्छा, आज बर्तन रखे आया। हाँ जी, ते ओ वाणी को ना जावे माई का दूध कोई ना निकालिया। हाँ जी, ते हम जाके ते चाले। कितना फिर, 2 किलो लेके आना या 1 किलो लेके? नहीं, 1 किलो लाना, 1 देना अगा हो जासी। अच्छा, तो हम ना दूध लेते हैं 2-3 घरों से, किसी के पास कम होता है, किसी के पास ज़्यादा होता है, तो हमें ना फिर डिफरेंट घरों से दूध लेना पड़ता है। तो इधर 2 हमारे पड़ोस में ही हैं, उनसे लेते हैं तकरीबन 1-1, 2-2 किलो लेते हैं। 2-3, 2-1 किलो इधर से लेते हैं, और 1 किलो हम उधर से लेते हैं, यानी कि 3 किलो दूध हम रात का लेते हैं। तो अभी मैंने जाना है, वो थोड़ा सा इधर वाला तो हम ले लेते हैं घर से, कोई पैदल जाके भी ले लेता है, लेकिन जो दूसरा लेके आना ना वो थोड़ा दूर है। तो अभी अम्मा ने कहा कि जाके दूध लेके आओ, क्योंकि ना इस टाइम वो दूध निकाल लेते हैं भैंसों का। तो मैं जा रहा हूँ दूध लेने। ये जना साहब, खैर हो भाई? खैर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे? मैंने तुम्हें काम के लिए बुलाया था, दूध लेने जाना है। चले, मैं आया बस 1 मिनट। तो दोस्त आ गया, वो कह रहा था कि टाउन जाना, तो मैंने कहा पहले दूध ले आते हैं, तो आ जाओ। वो भी आ गया, दूध ले के आते हैं, उसके बाद फिर टाउन चलेंगे। अच्छा, तो अभी हम आए थे अपने टाउन, आपको मैंने बताया भी था दूध लेने के लिए मेरे साथ इसलिए गया था कि टाउन इसके साथ जाना पड़ेगा। तो अभी हम आए थे इधर, शवारमा बनवा रहा है इसने घर के लिए ले के जाना है, और उधर ये मिठाई माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ज़्यादा। जिंगर, यहाँ पे चिकन शवारमा भी होता है, जिंगर भी होता है, चिकन पकौड़ा, शामी बर्गर, जिंगर बर्गर, हॉट विंग्स, नगेट, सब कुछ होता है इतनी सी शॉप में। तो घर में वापस आ गया हूँ, और इधर जो है चिप्स आ गई है, और इधर मेरे ख्याल में आई थिंक हाँ रोटी आई पड़ी है। रोटी का तो अभी मूड नहीं है, तो चल चल मेरी ये मैं ला के जाना भी है। मेरी ये तेरी रोटी आई पड़ी है, रोटी खा। नहीं है मुझे भी, ये कोकोमो नहीं है जो मुझे भी दो। ये चिप्स है। ओह गरम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बुरा मुंह करता है। चल दही नाल खाने आ जा। गरम थी। अभी जो है ना रात के 8 बज चुके हैं, और मैं अपने अड्डे पे हूँ, और मेरी चाय भी आ गई है, और यहाँ पे मैंने सोना है, ये एक पानी की बोतल है, और इधर जो चल रहा है जी मैच, बिकॉज आज है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। तो कोई दुश्मनी नहीं है किसी की एक दूसरे के साथ, लेकिन ना इनके मैच का मज़ा अपना ही होता है, तो इन्जॉय किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो आप लोग भी आई होप इन्जॉय कर रहे होंगे मैच को भी, जिन लोगों को मैच का शौक़ है, जिनको नहीं शौक़ उनके लिए फिर कोई भी मैच हो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे मैं भी इतना ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी मैच देख लेता हूँ तो फिर इंटरेस्ट बन जाता है। तो अभी चाय के साथ मैच को एंजॉय करते हैं। तो फिलहाल जो है ना वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट मस्ट है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़। और मैच को इंजॉय कीजिए।